आज बड़ी मुश्किल से इनसे वक्त मिला क्योंकि हम यहाँ पे पार्टी में आए हुए थे फंक्शन में, तो उसमें ये था पहले इनका हमारा प्रोग्राम था कि हम के वहाँ जाएंगे बिजनेस का जो इनका शॉप है वहाँ पे और घर में, तो लेकिन ये है कि चूँकि देर हो गई और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का काफ़ी अर्से से यहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और लेदर का बना मद्रास की छोटी सी आसी आस से मोहला है और आस का मतलब उम्मीद है, तो हम ये अल्लाह की रहमत के उम्मीद मिला हैं और इसी नस्बत से ये अदील आसी साहब की बहुत से काम हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में भी इनका हिस्सा है ख़ास तौर पर और काफ़ी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले और आशिकान रसूल में काफ़ी पसंद किया गया अल्लाह और उसके नबी से जो है मोहब्बत करने वाले वे वतन पाकिस्तानी हैं और सबसे पहले जाहिर है मुसलमान हैं और अल्लाह और रसूल पे यकीन रखते हैं और उसी को ये उन्हीं से मानते हैं और उसी की वजह है कि ये फेसबुक अपने आप को नहीं करते, अपने आप को शो नहीं करते जैसे कि अपने आप को हमेशा आगे रखें और शो ऑफ करें। बहुत से ऐसे काम हैं इनके इन्होंने किए हैं लेकिन उन्होंने उसका इजहार ओपनली तौर पे नहीं किया, लेकिन यह कि इनकी खिदमत ऐसी है कि मैं उनको चूँकि फॉलो करता रहता हूँ, जिस शख्सियत के बारे में वीडियो बनानी होती है तो उसके बारे में मालूमात होती है मेरी, तो उनको मैं फॉलो भी करता रहता हूँ। नाइस बंदे, अच्छे बंदे हैं और अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान की ज़्यादा यही खूबी होती है कि वो अपने मज़हब पे भी वो कायम है और दुनिया का जो है रहने वाले को पता है कोपेनहेगन से बाहर भी लोग हैं तो उन्हें ये है कि कोपेनहेगन से ये तकरीबन घंटा ड्राइव के बाद पहुँच सकते हैं, वहाँ तो दूर है काफ़ी एक और शहर है, वहीं पर रहायश ही हमारा प्रोग्राम भी तक वहीं का इंटरव्यू किया जाए, लेकिन यह है कि यहाँ पर चूँकि एक अल्लाह ने आपके लिए प्लान करके रखी होती है जिस जगह का दाना पानी आपने खाना पीना होता है अल्लाह ताला आपको वहाँ पर पहुँचा देता है। मेरी माँ का कभी भी सोचा भी नहीं था ख्वाब में, तो ख्वाब में क्योंकि सारी फैमिली जर्मनी में थी तो हमेशा जर्मनी का ही ख्वाब देखा और ये कि भाई जर्मनी में आना, दोनों मेरे दो ही भाई बड़े थे, यहाँ तीन भाई हैं और दोनों ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस जो है इस्टेब्लिश किया है जर्मनी में। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो अकेला पीछे पाकिस्तान में मैंने था भाई, तो हमेशा यही होता था कि चले जाके वो बिज़नेस को मैंने साथ में संभालना है और मैं जो है जर्मनी जाऊँगा। और पढ़ाई में क्योंकि अल्लाह ताला ने उसी की देन है थोड़ी सी जहानत दी, तो उसके हाफ जो है कह रही कि अपनी यूनिवर्सिटी में जब टॉप किया तो मुझे स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी ने इन्वाइट किया, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर किया, फिर मुझे जर्मनी में आखिरकार PhD की स्कॉलरशिप ऑफर हुई जो कि टोटल मेरी जॉब के साथ एक स्कॉलरशिप थी, तो उस के लिए मैं फिर जर्मनी मुकीम हो गया, फैमिली में जर्मनी में भी मेरे साथ थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे यूरोप को छोड़ कर जाना पड़ा जिसमें मेरी वालदा की सडन कैंसर डायग्नोज होना था हमको, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सब ऑलरेडी जर्मनी में थे तो पाकिस्तान में थे, इसलिए मुझे फिर सडन सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आना पड़ा। तो वो कुछ अर्सा जो है मैं बिल्कुल मैं अपना करियर जिसको कहते हैं वो ख़त्म कर चुका था और मैं सिर्फ वालदा की खिदमत को अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं उनके जो है वफात तक उनके यहाँ पे दाना पानी जिससे मैंने कहा था कैद है यहाँ पर इस्तेमाल। यहाँ पे जैसे मेरा टॉपिक है वीडियोज़ का हार्ड वर्किंग पाकिस्तानी हार्ड वर्किंग पीपल, तो इसमें अशार भी मैंने इसलिए किया कि इन्होंने काफ़ी काम किया, सोशल एक्टिविटी जैसे आपको बताया उसमें भी काफ़ी इसलाह हुए हैं, उसके अलावा दीनी तौर पर भी अपने दीन के साथ भी मजबूती से जुड़े हुए हैं और अपने दीन को भी अपने जिंदगी में शामिल भी किया हुआ है और उसके ऊपर प्रोग्राम भी करते हैं, और जैसे उन्होंने बताया फासी साहब ने कि आप सारी इन चीज़ों को मैनेज कैसे कर लेते हैं, यानी एक दीन का काम भी और फिर दुनिया का काम भी, इनको मसाला कैसे, उसके अलावा जो है हमारा
ہمارے رضانی ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہے اس کو یہاں پہ میں نے اس کی بنیاد بنائی. پاکستان میں غریب اور یتیم بچوں کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کی ڈنمارک میں جو ہے کافی عرصے سے 2014 سے ہم اس کا کام کر رہے ہیں, اور یہ ہماری ایک بہت زبردست قسم کی جو ہے یہ ایفرٹ ہے, اور اس میں ایک بہت بڑی ٹیم ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اور تیسرے پھر اس میں ہماری قدمی تنظیم ہے بھیلی کے نام سے, جس میں ہمارے دوست جو شغف رکھتے ہیں عربی سرگرمی جرمنی سے وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ سارا بیلنس بات کے لیے کہا جاتا ہے, تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے, اس میں آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے. جب آپ چیزوں کو مینیج کریں گے تو خود بخود یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے مساوات کی طرف چلنا شروع ہوں گی. جیسے میرے نزدیک سب سے پہلا جو ہے اللہ کا حق ہے, تو جیسے بھی ہو ہم نے ہر صورت میں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اس کے تربیت بچوں کی کرنی ہے, اور سارے بچوں کو ساتھ جماعت نماز سے لے کے قرآن کی تربیت کا اہتمام کرنا, یہ ہماری پہلی اولین پرائرٹیز کے اندر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کاروبار کے سلسلے ہیں, وہ تو ہر بندہ ہی یہاں پہ کرتا ہے, لیکن اس سے جو ہے نیکسٹ آپ کو آتا ہے کہ آپ کی موٹیویشن کیسے ہے. جیسے اگر میں آپ کو بتائیں جو کام ہے, ایک انسان کی جبلتی جو ہے اس کا ایک حسن ہوتا ہے, وہ اس کی تسکین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو ایک جو ہے ایک ادبی تسکین کے لیے ہمارے جو ہیں وہ اس سال کرونا میں سے کم ہوئے نہیں, تو ہمارے ماہانہ ایک دفعہ جو ہے وہ مشاعرہ ہوا کرتے تھے, جس میں انسان جو کچھ اس کی تخیل آتا ہے, جو کچھ لکھتا ہے, وہ پھر لوگوں تک لے کے آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انٹرکنیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز, اور جو مسجدیں ہیں جن سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے, اور آپ نے جو ہے اس میں آپ کی بھی کوششیں شامل ہیں کہ ایک حصوں گرو کے قریب جو شہر ہے اس میں ایک مسجد کا بھی افتتاح کل, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کوپن ہیگن میں لونے والے لوگوں کو تو پتہ ہی ہے, یہ دیکھیں وہ کیا یہ اس میں یہ ٹائم ٹیبل ہے پورا نماز کا, اس میں یہ ہمارے پاس ہے اور جب سے میں آیا ہوں ظاہر ہے اس کو استعمال کر رہا ہوں, لیکن اس کے پیچھے کوششیں کس کی ہیں اور کس نے اس کو بنایا؟ یاسر صاحب کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی استعمال ہونے والی بات ہے. اگر میں غلط کیوں گا یہاں پہ ہو سکتا ہے میں اس کی پوری تسلیم نہ کر سکوں, تو آپ لوگ عدیل احمد آصف صاحب اس کا بتائیں گے. یہ جو ہمارے پاس پورا نمازوں کا ٹائم ٹیبل ہے جنوری سے لے کے یہ دسمبر تک سارے پورے سال کے جتنے مہینے ہیں, اس ٹائم ٹیبل کو بنانے میں بہت سے لوگوں نے بتایا. یہاں پہ وہ جب آئے تھے تو یہاں پہ اسلامک سینٹر ہوا کرتا تھا, اب بھی ہے, اس میں وہ امام بھی رہے, اور انہوں نے یہ تھا کہ جو نمازوں کے اوقات تھے, چونکہ یہاں پہ بارش پہلے تو بہت زیادہ ہوتی تھی, اب تھوڑی دھوپ نکلتی ہے, پہلے تو دھوپ بھی نہیں کم نکلا کرتی تھی, بادل رہتے تھے, بارش رہتی تھی, ابھر آبھر موسم رہتا تھا, وہ نمازوں کے اوقات کا تعین کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. لیکن انہوں نے ریسرچ کی کشتیوں میں جا کے, پھر صبح کا انہوں نے فجر کا معلوم کیا کہ کتنے بجے سے ٹائم شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے ختم ہوتا ہے. تھوڑا سا تفصیل رضی اللہ آصف صاحب بھی بتائیں گے تاکہ میں ان کو بھی شامل کروں. ایکچولی یہ جو ہے جب ہمارے مسلمان یہاں پہ آئے ناردن ایریا میں, تو قاتل نماز کا اور خصوصی طور پہ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں سحر افطار کی بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ مسلمانوں کو پیش آئی, کیونکہ یہاں پہ جیسے یوسف نے بتایا کہ موسم ابر الود رہنے کی وجہ سے وہ تو ایک مسئلہ تھا, کہ دوسرا مسئلہ کہ سردیوں میں دن انتہائی مختصر اور گرمیوں میں جو ہے وہ اتنے لمبے اور طویل دن ہوا کرتے تھے, اور راتیں گرمیوں کی بہت ہی مختصر. اس وجہ سے جو ہے یہ پرابلم ہمارے جو پہلی جنریشن تھی ان کو رہی. اس کے لیے پھر جیسے میں نے جدید صاحب کا نام لیا, میرے اللہ ہم کو بلکہ رحمت کرے, انہوں نے کشتی لے کے دریا کے اندر, اس سمندر کے اندر ہمارے جو انہوں نے بتایا کہ ہنسی میرا تک جو ہے وہ جاتے تھے, وہ انہوں نے وہاں پہ سورج کا اوقات دیکھنے اور اس کو جو ہے افغانستان کے صدر جو آیت ہے کہ صبح کی داری جب سفید داری رات کی سے نمودار ہوتی ہے, تو وہ جو ایک سرخی آتی ہے اس کو انہوں نے بخوبی جو ہے اس کا
जो है मुशाहदा किया और उसको नोट किया। तो ये उनकी बहुत बड़ी एक खिदमत थी, उन्होंने ये कैलेंडर तरतीब दिया। उसके बाद भी कुछ लोगों ने जो है इसके ऊपर काम किया और फिर नए जो ज़माने के अंदर अभी फिर दोबारा से एक बहस से पड़ी। तो इसमें अभी हाल ही में मैं आपको बता बच्चा क्योंकि अभी एक नई स्पेशली क्योंकि डेनमार्क में उसमें से निकला है, लेकिन जो हमारे नॉर्वे स्वीडन के जो बलाई इलाका है जहाँ पे 6 माह तक दिन रहता है, 6 माह तक रात चलती है, वहाँ पे ये मसला फिर ज़रूर उठाना शुरू हुआ। तो अभी पिछले माह में मौलाना हामिद फारूक साहब जो कि आईसीसी नॉर्वे के सरबरा रहे हैं, उन्होंने एक इजलास लाया इसी मुकाम के ऊपर जो नॉर्वे इस मुकाम के ऊपर है। तो वहाँ पे सब ने मुशाहदा किया, आसिफ साहब ने इसका बताया। तो इसके बारे में यही है कि देखिए उन्होंने इतनी मेहनतें की हैं ना, अब अल्लाह ताला उनको बख्शे, अब बहुत भी हो चुके हैं उनकी रूह को, तो सवाल सारे सवाल पहुँचे गए इससे। हमने बल्कि कितने लोगों ने, बहुत से लोगों ने यहाँ पे नमाजों को उसका एहतमाम किया और उस कैलेंडर्स को इस्तेमाल किया और वो तमाम जितना भी सवाब है उन्हें मिलेगा। जैसे अदील अहमद आसिफ साहब ने बताया कि ये नहीं कि उन्होंने बना दिया था औकात, वो भी अभी तक चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोगों ने उलमा ने तहकीक की है और अभी तक रिसर्च जारी है और कई और कैलेंडर्स इस्लामी कैलेंडर भी निकले हैं और उसमें नमाजों के औकात को भी तरतीब मुख्तलिफ अंदाज में दिया गया है। वो हर मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं उन्होंने भी उसमें काम बहुत किया और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के बारे में जो टाइम टेबल है वो भी शाया होते हैं और तुर्की के भी यहाँ पे मुसलमान रहते हैं और अरब कंट्रीज़ के भी मुसलमान हैं और पाकिस्तानी भी यहाँ पे मुसलमान हैं। उन्होंने अपने अपने तरीके से नए नए तहकीक करके वो उन्होंने कैलेंडर जारी किए। मकसद बात करने का ये है कि जैसे इस्लामी फील्ड में ज़ाहिर आसिफ साहब और मैं भी ज़ाहिर उसमें दिलचस्पी रखता हूँ, दुनिया के साथ साथ दुनिया के जो हमारे काम होते हैं उसमें ये होता है कि जब भी कोई तहकीक की जाए, मेहनत की जाए, तो उसमें वक्त भी काफ़ी लगता है और कोशिशें भी होती हैं और इसी का नाम हार्ड वर्क होता है। और ये होता है कि वो जो लोग ये काम करते हैं वो दूसरों के लिए ये करते हैं, अपनी ज़ात को वली देखते हैं, वो अपनी ज़ात को ना उनको तकलीफ भी पहुंचती है लेकिन वो एक दूसरों के लिए फ़ायदा कर जाते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है कि हम अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो इस दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें उसका सिला देगा और अगले जाम में भी उसका सिला देगा। अदील अहमद आसिफ साहब की मैं अभी बात वो जारी रखेंगे, मैं उनकी थोड़ा सा एक 2 मिनट और लूँगा कि अदील अहमद आसिफ साहब ने मैंने इनको जो भी शख्सियत होती है उनको मैं फॉलो करता हूँ और इनके बहुत से काम मुझे पता है इनके, और अब इनके ज़ाहिर एक वीडियो में इनके काम नहीं बताए जा सकते, अब आहिस्ता आहिस्ता और से चला चलेगा, किसी और तकरीबात में हम बात करेंगे तो इनका और भी बताएंगे, लेकिन बेशुमार काम किए हैं उन्होंने और इन्होंने भी अपने आप को स्लिम कर लिया और मैंने भी क्योंकि बड़े काम बात करेंगे। और ये जो काम है क्योंकि एक्सेसिव वेट में चला गया था और उसको उसके बाद अपनी डाइट को कंट्रोल करना और फिर जो है वापस शेप में आना, ये भी एक बहुत हार्ड वर्किंग काम है। और जो ओवरवेट मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं उनसे मशवरा भी दूँगा कि ज़्यादा टीवी की बात की तो उसमें भी मेरा एक एम यही था कि वो लोग जो लोग हमसे पहले यहाँ पे आए और जिनकी वजह से आज हम जो है आसानियाँ हैं हमारे लिए, हमारे लिए बहुत सी मसाजिद और आप मसाजिद की तादाद हमारी माशाल्लाह 50 के करीब चले गई है। तो ये मसाजिद हम जगह जहाँ पर भी हैं, ये हम जहाँ पर बैठे हैं इसके पीछे की मस्जिद है और जगह जगह पर मसाजिद, इसका मतलब है लोगों ने हमारे इस्लामी तरीकों को, इस्लामिक कारोबार को बनाने के लिए और आबादात के लिए बड़ी जरूरियात जो है पैदा की है। तो कोपेनहेगन टीवी का जो प्रोग्राम आपने कहा जिसका नाम परदेसी कहानियां है, वो भी इसी की कड़ी है कि मैं जो पुराने लोग आए हैं जिन्होंने कैलेंडर पे काम किए हैं, साजिद पे काम किए हैं, यहाँ आलू पे काम किया था, जिन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए जो जो किसी भी लिहाज से हमारी स्पोर्ट्स के लिहाज से काम करते थे, मैं उनके साथ भी टच रहा क्योंकि ये आपको मोटिवेशन देते हैं कि ज़िंदगी का मकसद यही नहीं है कि सिर्फ अपने लिए जीना, ज़िंदगी का मकसद दूसरों के लिए जीना ज़्यादा नहीं है
और भी अच्छी हैं बेसिकली ड्रामा टाइम। मेरा ख्याल है कि इसको हम नेक्स्ट में करेंगे, स्पेशली नेक्स्ट वीक जब हमारा शेख हिसाब से आगे मेरी किताब आई थी सबसे पहले, और उसके बाद जिक्र रसालत मुआफ़ सल्लम के ऊपर आई थी, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके अंदर से कुछ कलाम भी आपको सुनाएंगे। तो जाते जाते सिर्फ ये कहूँगा कि आप सल्लम के वाले से जो खुशबू है सभी तेरे पसीने पे निछावर, खुशबू है सभी तेरे पसीने पे निछावर, है जितनी मोहब्बत वो मदीने पे निछावर। ज़ाहिर मुसलमान है, देखे हमारा अकीदा है अल्लाह की ज़ात पे और ज़ाहिर उसके प्यारे में। अगर बहसीत मुसलमान हमारे अंदर अल्लाह का और उसके रसूल की मोहब्बत जागती है, तो वो फिर वही हमारी राय जो है सारी प्रसिद्धी कर देते हैं और हमारी राय को हमार भी कर देते हैं। एक दो मिनट और ये इस अली अहमद आसी साहब के मैं ले लूँगा। ये जो मुझे जो वीडियोस बनाई है उन्हें बहुत अच्छा लगा, उसमें मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मैंने अपना वक्त तो दिया है, जाहिर मैं फैमिली वाला हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जो शख्सियात हैं जो उनको मैं फॉलो करता था और जिनकी तस्वीरें देखता रहता था या वीडियो या टीवी में प्रोग्राम या रेडियो में देखता रहता था, उसके बाद जो है मैंने उनको जब और उसमें उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके भी, और इसी तरह आदिल आमिर आसिफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे वक्त दिया